में सूरज ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। इससे पारा भी लगातार चढ़ता जा रहा है। शनिवार को दोपहर का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहा है, जो इस दिन पिछले साल की तुलना में 2 डिग्री अधिक था। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों में तापमान में हल्की गिरावट आने की संभावना है। शहर के मुख्य बाजारों और चौराहों पर सन्नाटे की स्थिति दिख रही है, तो वहीं ऑटो चालकों का साफ तौर पर कहना है कि वो गर्मी के कारण काफी परेशान हो रहे हैं। और दिन भर में करीब आपको बता दें कि 10 से 12 बार उनको अपना चेहरा और सर धोना पड़ता है, और जिसके कारण से उनको थोड़ी बहुत राहत की सांस मिल जाती है। गर्मी तो मतलब बहुत पड़ रही है सर, और मतलब कम से कम 20 बार तो मतलब हम सिर धोते हैं, मुंह धो रहे हैं, तब मतलब चल पा रहे हैं हम। कितनी गर्मी महसूस कर रहे हैं? गर्मी तो मतलब बहुत पड़ रहा है। हर साल इतनी पड़ती है क्या? हर साल मतलब इससे डबल मतलब इधर पे महसूस हो रहा है ना। इस बार ज्यादा गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। कितनी ज्यादा? अरे पसीना निकल रहा है, हालत खराब हो रही है हमारी। कितने बजे निकलते हो घर से? घर से निकलते हैं 7 बजे। कितने बजे पहुँचते हो? अपने ठीक है, 8 बजे पहुँच जाते हैं। गर्मी 12 बजे से गर्मी ज्यादा पड़ती है। अब क्या करें, ठंडा पानी पियो, पेड़ के नीचे छाई में इधर उधर भटकते हैं, बैठते खड़े हो जाते हैं। 1500 के सर। गर्मी बहुत पड़ रही है साहब। नहीं नहीं नहीं, गर्मी के हिसाब से नहीं चल रही है। गर्मी हो जाती है करीब 11 बजे से। गर्मी तो साहब बहुत बिकट पड़ रही है। गर्मी के मारे आदमी बेहाल है, सारे लोग इतने बेहाल हैं कि दिन में निकलना, दोपहर को चलना ही मुश्किल हो गया गाड़ी लेके। कितने बजे से गर्मी एहसास होने लगती है? आज ऐसे ही है सर कि करीब 9-10 बजे के बाद तो फिर ये निकलना ही मुश्किल हो जाता, पसीने के मारे हत्तर बदर हालत हो जाती है। टेम्परेचर कोई पता नहीं कितना हो गया, गर्मी बहुत पड़ रही है अभी। क्या हाल है? बहुत बेहाल है जी। मान चलो अभी आपके सामने चेहरा धो रहे, इतने देख रहे होंगे आप, रह नहीं रहा गर्मी के मारे। और टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं अभी। कैसे गर्मी में कैसे मेहनत करते होंगे? बहुत मेहनत करते हैं, कुछ नहीं जो बचता है। मेहनत करते हैं, गैस बांधते रहते हैं, सवारी मिलती नहीं गर्मी के मारे, रोड पर सवारी निकल नहीं रही है। कितनी सालों बाद ये गर्मी? ये पहली बार इतनी गर्मी देखी है। इटावा जनपद के मेन SSP चौराहे पे मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ। जो इस समय का जो हालात है गर्मी के, वो 44 टेम्परेचर के आसपास बना हुआ है, और आम तौर पे जो गरीब जनता है इसका सामना करना पड़ रहा है उन लोगों को, और जो मासूम छोटे स्कूल के बच्चे हैं वो भी बेचारे धूप में कोई गमछा बांध कर निकल रहा है, कोई स्टॉल बांध कर निकल रहा है, और इस तरीके से जहाँ जहाँ पेड़ की छांव मिलती है वहाँ पर रुक रुक करके अपने घर तक पहुँचते हैं, क्योंकि जो गर्मी के समय हालात बने हैं, जो हालात मई जून में होना चाहिए था वो इस समय अप्रैल के महीने में चरम सीमा पर है। इसके लिए जो जब ऑटो वालों से, जब चालकों से बात की गई, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इस भीषण गर्मी में हम लोग अपने बच्चों का पेट पालने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, दिन में 10 बार हम लोगों को मुंह धुलना पड़ता है, बालों पे पानी डालना पड़ता है, जिस कारण से थोड़ी सी गर्मी में राहत अवश्य मिलती है। इटावा से प्रमोद चित्त, के न्यूज़ इंडिया।